हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंटो बाइक्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो बेसिकली हम लोग अभी जा रहे हैं बुल्ला के आसपास, जो थोड़ा साइट सीइंग वगैरह करने के लिए, एंड हो सके तो हीराकुड डैम जो है उसका बुल्ला साइड थोड़ा आज एक्सप्लोर करेंगे। और सो मेन रीज़न हम लोग जो अपना बाइक नहीं लेके जा रहे हैं इस बिकॉज हम लोग थोड़ा टायर्ड हो गए इतने दिनों के बाद, हम लोग जो लॉकडाउन के बाद हम लोग इतना लंबा राइड किए। तो बेसिकली वी हैव टेव कम इन शुभम्स कार एंड दैट इज शुभम, हेलो विश्वजीत, एंड लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई एम सीइंग अराउंड मी राइट नाउ। बरगढ़ कैनल में जो राइट टेक पे है, तो हम गए थे जवाहर मीनार और मेन डैम, बट ड्यू टू कोविड इट इज़ क्लोज। बट ये जगह भी बहुत ही मस्त है। अब थोड़ा देखिए पानी का फ्लो कितना तेज़ है। अभी मैं जो फैक्ट बोलने वाला हूँ वो सिर्फ डीपीएस के किट रिलेट करेंगे। तो अगर आप डीपीएस से हो तो आपको मालूम होगा हमारे यहाँ महानदी हाउस एक होता था जिसका टी शर्ट ग्रीन कलर का था। तो अब मालूम पड़ा क्यों, बिकॉज ये पानी बिल्कुल ग्रीन कलर का दिख रहा है, आप भी देखिए। तो मैं हमेशा सोचता था क्यों ग्रीन कलर का है, आज मालूम पड़ा क्यों। तो बस अभी राइट टेक से हम निकल जाएंगे, सनसेट भी हो चुका है, तो आगे देखते हैं कहाँ जाएंगे। टुडे इज़ डे टू ऑफ संबलपुर बुर्ला राइड, और अभी हम शुभम के हॉस्टल के छत पे हैं। हम यहाँ आए हैं थोड़ा व्यू एंजॉय करने के लिए। कल आपको विंडो से जो व्यू दिखा रहा था अच्छे से दिखा नहीं पाया, तो आज वो व्यू छत से दिखाएंगे। तो कल हम गए थे जहाँ पे, वो सब तो कोविड की वजह से बंद था। तो आज हम हीराकुड साइड डैम देखने जा रहे हैं, होपफुली वो खुला हो। और पहले तो हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, जगह का नाम मैं भूल गया, वो गाड़ी में शुभम से पूछने के बाद बताऊंगा। और अट्टा बीरा, यस आई रिमेम्बर्ड इट। उसके बाद हम जाएंगे हीराकुड साइड डैम देखने के लिए और लेफ्ट डाइक देखने के लिए। अगर इन केस वो बंद रहता है तो हम हुमा टेम्पल और घंटेश्वरी टेम्पल जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वैसे ओडिशा में लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा है, तो उसको सीधा करने के लिए जाएंगे। और ठीक है, बहुत हंसी मजाक हो गया, आपको अभी बाइक पे मिलते हैं। तो हम निकल चुके हैं बुर्ला टाउन से ऑटावीरा की तरफ। बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है और हम बहुत ही लेट हो चुके हैं, तो ब्रेकफास्ट करने जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपना आइटनरी कंप्लीट करने के लिए निकल जाएंगे। ये कहाँ अंदर आ गए हम, एक टेंपल के पास। वेयर इज द ब्रेकफास्ट पॉइंट शुभम? ओके, साउथ इंडियन होटल। We are in West Odisha eating South Indian. Wow. Since 1992. Oh my God. This hotel is older than all of us. Wow, what a sweet smelling sanitizer.
just have a look at the view. If you can see, वहाँ से पानी निकल रहा है and wow. Okay, so अभी हम लोग साइफन ब्रिज में आए हैं and let me just show you the view. ओके सो अभी हम लोग साइफन डैम तो देख लिए, अभी हम जाएंगे हीराकुड डैम. याय विश्वजीत इज सुपर एक्साइटेड. शुभम प्लीज लीड. ओके सो दिस इज द वे टू हीराकुड डैम. यहाँ से और 11 किलोमीटर्स है. तो अभी हम लोग सोच रहे हीराकुड से पहले एक बार गांधी मीनार जाके आते हैं. बेसिकली एक हिल है तो उसके ऊपर से मे बी व्यू अच्छा होगा, बट वी आर यू नो हम लोग कन्फ्यूजन में है कि ये ओपन है या नहीं. तो गांधी मीनार है बंद. अभी शुभम क्या करें, शुभम कहो कहो करिए आप खीरा को भी बोन. अभी हम लोग लेफ्ट डाइक जा रहे हैं, लेट्स सी वहाँ पे कैसा क्या सीन है. अभी कोविड के कारण हर जगह बंद है, मोस्ट प्रॉब्ली हीराकुड भी बंद होगा, बट देखते हैं हम लोग कितना क्या घूम सकते हैं, वरना फिर से कभी प्लान करना पड़ेगा स्पेशली हीराकुड के लिए. तो फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद हमको सही रास्ता मिल गया और हम डाइक के ऊपर पहुंच गए. तो ये है लेफ्ट डाइक. हम उस साइड से घूम घूम के कहाँ घूम के तो इधर आने के बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत से रास्ते बंद है, कुछ रास्ते खुले हैं, कुछ रास्तों से सिर्फ बाइक ही आ सकते हैं, तो वो चीज़ आपको पूछ के आना पड़ेगा. हम तो जैसे तैसे पहुंच गए. अभी शुभम आगे कहाँ जाए. ठीक है, अभी हम लेफ्ट डाइक के लेफ्ट साइड पे जाएंगे. हम लेफ्ट डाइक के एंड पर पहुंच चुके हैं और अभी टाइम भी हो गया है 12:30 के आसपास. तो हम डिसाइड किए कि घंटेश्वरी या हुमा टेंपल नहीं जाएंगे. वैसे तो हीराकुड डैम बंद था इसीलिए उसका डिप्रेशन तो अलग है, बट इधर सीनरी इतना अच्छा है कि हम डिसाइड किए इधर थोड़ा बैठ लेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे शुभम के साथ, फिर वापस लंच के लिए निकल जाएंगे हॉस्टल. शाम को देखते होगा तो राइट डाइक फिर से चले जाएंगे, क्योंकि कल सनसेट वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल था. वहाँ पे टाइमलेस वगैरह कुछ निकालेंगे और जो जो जगह छूट गया उसके लिए दूसरा प्लान बनाएंगे फिर वापस फ्यूचर में. तो अभी बज रहे हैं 4:30 और हम जा रहे हैं वापस राइट डाइक को सनसेट देखने के लिए. और अभी हम जा रहे हैं बुर्ला टाउन के अंदर से, वो आपके पीछे गया बुर्ला मार्केट. और जो ब्रिज हमने क्रॉस किया वो है पावर चैनल ब्रिज. आज सुबह हम जो साइफन ब्रिज गए थे ये वहीं से ही कनेक्ट होता है. अभी आगे आपको बुर्ला प्लानिटोरियम भी देखने के लिए मिलेगा, वो तो इस पीओवी में नहीं दिखेगा, अंशुमन के कैमरा से देखेंगे. तो अभी ये है बुर्ला का प्लानिटोरियम और वहाँ पे जो मंदिर है डेट इज़ जगन्नाथ मंदिर. बाय द वे ये प्लानिटोरियम एक्चुअली नया प्लानिटोरियम है, बट फॉर सम वियर्ड रीजन दिस लुक्स लाइक अ ओल्ड प्लानिटोरियम और आई थिंक इट हैज़ नॉट बीन मेंटेन्ड प्रॉपरली बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल. और यहाँ से हम लेंगे एक राइट टर्न और ये वाला जो रोड है काफ़ी सीनिक रोड है, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में एक हिल है और वहाँ से एकदम सन के रेस एकदम मस्त आते हैं, तो इट्स क्वाइट सीनिक.
और उसके बाद हम लोग आगे एक मस्त स्पॉट है एक्चुअली, तो चलिए आपको मैं वहाँ पे दिखाता हूँ। तो इफ़ यू कैन सी, हाँ थोड़ा सा, आई विल ट्राई टू कैप्चर इट इन द DSLR, बट वहाँ पे वो गेट से हीराकूद के, एंड इट्स रियली गुड। तो वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे हीराकूद डैम लिखा हुआ है। लेट मी जस्ट यू नो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट। ओके सो अभी हम लोग राइट डाइक में हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आज सब कुछ बंद था, तो इसलिए वी ओनली कुड विजिट लेफ्ट डाइक एंड राइट डाइक, बट इट इज़ वॉर्थ इट बिकॉज यहाँ पे इतना पीसफुल है अपार्ट फ्रॉम द बाइक दैट इज कमिंग राइट नाउ। इट इज़ वेरी पीसफुल, लाइक वी आर एंजॉइंग दिस पीस आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। ये तो यूजुअली ऐसे पीस एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता है, सो मी इज वेरी लकी दैट ही गेट्स टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ पीस एवरी टाइम। सो जाने के बाद हमने बुर्ला सिटी का एक छोटा सा टूर ले लिया। अभी हम वापस रूम में आ चुके हैं रेस्ट करने के लिए। आज ये हमारा लास्ट नाइट है बुर्ला में, कल हम निकल जाएंगे वापस भुवनेश्वर के लिए। और उसी खुशी में शुभम आज खुद हाथ से डिनर बना के खिलाएगा। और तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर and subscribe if you want to see more of such videos. See you in the next one. Until then, goodbye. Should be.